हाजीपुर बागदुल्हन मस्जिद के पास मिली अज्ञात युवक की लाश से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सूचना देकर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस वहां पर जांच के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि यह युवक का नाम किशन यादव है। उसके हाथ के बने टैटू के हिसाब से इसके नाम का पता चला। वहीं जांच में जुटी पुलिस ने शव का पता लगाने के लिए उसके शव के और पैकेट में सब कुछ खोजबीन किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उसके हाथ के पे टैटू जो छपा था, जिसमें उसके किशन यादव नाम था, जिसके बाद पुलिस ने नाम हाथ पर है लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गया। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन इस जगह 4 से 5 लड़के रात के 5 बजे से लेके और रात के 12 से 1 बजे तक रहते हैं और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। और जिस तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नशीली दवा का पैकेट, बोतल और सिरिंच जो निडल लगा हुआ है वो बरामद हुआ है। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से निडल लगा हुआ सिरिंच। बताया कि यहाँ पे ड्रग्स के करने के लिए यहाँ लोग आते हैं और जो लड़के होते हैं, युवा होते हैं, वो यहाँ पे हर रात को 12 से 1 बजे तक लोग बैठते हैं और इस तरह नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। पुलिस के लिए यह चुनौती बन गई है कि जिस तरह से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, युवा पहुँचते हैं और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जिस तरह से सुई और नेडिल, लगभग सैकड़ों की संख्या में नेडिल और सिरिंच बरामद हुए, वहीं बोतल बरामद हुए। लोग, स्थानीय लोग उस चीज़ को दिखाकर बता रहे कि यहाँ हर रात में इस तरह की युवा जमा होते हैं और यहाँ पर नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। यहाँ पर ये हुआ कि हम लोग आए तो देखे कि एक लाश पड़ी हुई है और देखे यहाँ पर पूरे सिरिंच है और क्या बोलते हैं वो शीशी उसी है पड़ा हुआ, चाकू है, एक चप्पल यहाँ है, एक चप्पल वहाँ है। तो हम लोग आए, देखे कि लाश पड़ा हुआ, तो फिर प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन आया, अब जिसका जांच पड़ताल चल रहा है, उसके हाथ में कृष्णा यादव करके टैटू भी बना हुआ है, देख रहा है। एक मोबाइल भी उसके पास में मिला, लेकिन वो स्विच ऑफ है। सिरिंच विरिंच का क्या है, मतलब जो सिरिंच मिला है यहाँ पर उसका क्या? सिरिंच ड्रग्स व्रग्स का पीता होगा, क्या कि एक चाकू भी है, सिरिंच भी देख रहे हैं और ये क्या बोलते हैं आपको सीसी भी देख रहे हैं। इसे यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे रात में, हाँ, रात में लोग आके लोग, हाँ, जो है ना रात में जो है ना प्रत्येक दिन का जो है ना ये अड्डा यहाँ पे बना हुआ है। कुछ लोग जो है ना 5-6 लड़का लगता है कंटिन्यू इसमें बैठता ही है, क्योंकि हम लोग को तो लगता है कि जितना सिरिंच जिस हिसाब से सिरिंच फेंका हुआ है तो ये डेली का मतलब ये काम है उस लोग रोज दिन का, मतलब पर डे समाज के मतलब इसी एरिया में बैठते हैं, क्योंकि इतना जो सीन दिख रहा है समझिए कि असामाजिक टाइप के, जो असामाजिक टाइप का है ये है जो मतलब वो यहाँ पर आकर जो क्लियर मतलब अथी करता है, आ करने के बाद में यहाँ के जो गांव मोहल्ला का लोग है जो अपने समय सबके हुए रहते हैं, क्यों हम इससे हम क्या कहें। ड्रग्स व्रग्स का डेली चलता है कि जिस तरह सिरिंच व्रिंच मिला है? क्लियर यहाँ पर भी है, हमारे क्षेत्र में भी है, दो जगह पर सब कहानी क्लियर है।